तो हेलो गाइस, माय नेम इज जे किशन एंड यू वाचिंग जे की टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे हाथ में देख सकते हो, मैंने मंगा लिया है बोट का एयरपोर्ट्स 161 प्रो, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे लोग अनबॉक्सिंग किए होंगे। तो मैं सोचा कि भाई चलो अपने चैनल पे एक मतलब होनेस्ट रिव्यू, और इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, बाकी ओवरऑल सारे की चीज़ें बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करना, और चैनल पे नए आ गए घूमते फिरते या फिर किसी चीज़ से सवाल हो आपको तो आप लोग कॉमेंट में बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से इसके बारे में कुछ बताता हूँ। पहले इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ये जब डिलीवर्ड हुआ था बेसिकली, तब ये जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी के साथ में आया था। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको अनबॉक्स करवा लिया है कुरियर बॉय से। जो डिलीवरी बॉय आया था उसने अनबॉक्स कर दिया है। ये रहा इसका बिल। इसका बिल का प्राइस की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 1299 रुपीज की एक्चुअल प्राइस है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ बिल को, और ये रहा इसका बॉक्स। बॉक्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। और बॉक्स को मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर ये सारे के सारे चीज़ें डिलीवरी बॉय ने ओपन करके मेरे को दिखाया था। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 4 ईयर टिप्स मिल जाते हैं टोटल, यानी कि 2 जोड़े। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर 2 है, यहाँ पर ये रहा 2, और इसके अंदर भी आपको 2 मिल जाता है। ये बड़े वाले ईयर टिप्स है, ये सबसे छोटे वाले ईयर टिप्स हैं, और मीडियम वाला ईयर टिप्स ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ यहाँ पर, और उसके अंदर आपको ये मतलब ये एक अजीब सा चीज़ें मिलता है जिसके अंदर ये लगा हुआ था इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इसको बाहर पहले निकाल लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इसके अंदर ये मिलता है बॉक्स जैसा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका जो डाटा केबल है वो भी मैं निकाल लिया था यहाँ पर। ये रहा मेरा डाटा केबल, ये बोट के साथ में मिला था। यहाँ पर देख सकते हो बोट की पूरी ब्रांडिंग है, यहाँ पर देख सकते हो, और टाइप सी वाला ये केबल है, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो ये सारे चीज़ें हैं जो कि कोई नहीं पढ़ता है बेसिकली, मतलब ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ सारे से। ये स्टिकर मिल जाता है आपको इसमें, मतलब थोड़ा अलग अलग टाइप के स्टिकर मिले, ये भी देख सकते हो कुछ अलग है, ये भी देखो मतलब अलग है, बहुत मतलब अच्छे अच्छे स्टिकर मिल जाते हैं यार आपको देखने को, ये देख सकते हो। उसके बाद ये दोनों मतलब यूज़र मैनुअल, ये वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है 1 साल का मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड। तो सारी चीज़ों को मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर वापस एक और चीज़ें मिलता है जो कि मतलब जो बोट है वो क्या क्या चीज़ें बनाता है उसके बारे में, ईयरफोन बनाता है, घड़ी भी बनाता है, उसके बाद स्पीकर ये बनाता है, ये हेडफोन भी बनाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है ब्रांडिंग है, ये सब मतलब इस तरह का भी स्पीकर बनाता है, ईयरफोन ईयरपॉड्स भी बनाता है, केबल भी बनाता है, चार्जर भी बनाता है, और भी बहुत सारे सीरीज बनाता है। यहाँ पर देख सकते हो सारे चीज़ों को इसमें बताया गया, ठीक है। इसको भी मैं साइड में रखता हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए। उसके बाद यहाँ पर एक मिलता है थैंक यू फॉर बोट हेड और रॉक इन इंडिया, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। ये साइड से पीछे से खाली है। तो ये सारे चीज़ें तो हो गया, चलो अब मेन आते हैं प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये जो है इसका बॉक्स है, ठीक है। और बॉक्स को मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप ओपन करोगे ना यहाँ पर आपको लाइट जलने को मतलब देखने को मिलेगा, इस तरह ब्लिंक करेगा, और इसको जैसे ही निकालोगे तुरंत के तुरंत आपके मोबाइल से ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका डिज़ाइन जो है बहुत ही मतलब प्रीमियम है, बहुत ही अच्छा है। गाइस इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर मल्टी डिवाइस कनेक्शन मिल जाता है, यानी कि आप 2 डिवाइस में एक साथ में कनेक्शन कर सकते हो। 10 mm का ड्राइवर मिल जाता है, और टोटल जो प्लेबैक है वो 50 hours का मिल जाता है आपको। तो गाइस ये सारे चीज़ें तो इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें दिया गया जो कि आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका आपको बीस्ट मोड मिल जाता है, यानी कि लो लेटेंसी 60 ms का, यानी कि आप इसमें गेमिंग छोटा मोटा कर सकते हो। वैसे पबजी वगैरह खेलेगे तो आपको लेटेंसी उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट ठीक है आप लोग देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको डुअल माइक ENC सॉल्यूशन मिल जाता है, ये आपको सपोर्ट मिल जाता है 2x, यानी कि 2 माइक इसके अंदर दिया गया है। IWP टेक्नोलॉजी मिल जाता है आपको, IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है, यानी कि इसमें वाटर का मतलब छींटे वगैरह पड़ेगा तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। उसके बाद ब्लूटूथ 5.3 आपको देखने को मिल जाता है, और पॉकेट डिजाइनेबल मिल जाता है, यानी कि बहुत ही मतलब स्लिम है, आप इसको आसानी से पॉकेट में डाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। उसके बाद आप बात करें तो 10 मिनट में आप 150 मिनट का आपको प्लेबैक टाइम मिलेगा, यानी 10 मिनट चार्ज करोगे और 150 मिनट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे चीज़ें तो ऑन पेपर हो गया, अब चलते हैं फटाफट से प्रैक्टिकल यूज़ पे, और आपको मैं बताता हूँ कि इसको प्रैक्टिकल यूज़ करने पे किस तरह से आपको इसमें क्वालिटी मिलता है, साउंड क्वालिटी या फिर। वैसे मैं बोट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, यानी कि बोट का बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास बोट का ऑलरेडी 2-2 मेरा पास पड़ा है, बोट रॉकर 330 प्रो, और ये रहा बोट रॉकर 330 प्रो, यानी कि ये जो है ब्लैक कलर वाला है, ये जो है ब्लू कलर वाला है। ये मतलब डब्बा नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये ब्लू वाला है, ऑलमोस्ट इसको 1 साल से ऊपर हो गया यूज़ करते हुए, काफ़ी अच्छा खासा मेरे को अभी तक ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये रहा दूसरा देख सकते हो, तो मतलब बेसिकली दोनों सेम मॉडल का, क्योंकि ये जो मतलब ईयरफोन नेक बैंड है ना बहुत ही मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने 2 मंगा लिया। तो एक जो है अमित यूज़ करता है और एक जो है मैं यूज़ करता हूँ, तो ये ब्लैक वाला मैं यूज़ करता हूँ और ये जो है अमित यूज़ करता है।
तो इसका जो बैटरी बैकअप वगैरह बात करें या फिर जो भी चीज़ बात करें, 60 घंटे का इसमें प्लेबैक टाइम है, मतलब सोच सकते हो काफ़ी तगड़ा प्लेबैक टाइम है इसके अंदर। तो गाइस ये रहा अपना ईयरफोन, आप देख सकते हो, और ईयरफोन नहीं बेसिकली ईयर पॉड्स है। इसको मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद सिंपली आपको निकालना है, निकालोगे जैसे ही आपका जो मोबाइल से कनेक्टेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मेरा जो डिवाइस है ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो चुका है। इसको मैं कान में लगाऊं तो कुछ इस तरह से आपको फिटिंग देखने को मिलता है, मतलब इसका जो फिटिंग है और जो वेट है ना बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल का है। देखो मैंने कान में लगा लिया, और एक्चुअली बताया जाए तो आप जैसे लगाओगे ना थोड़ा सा आपको पता चलेगा कान में कुछ लगाया हो, लेकिन जैसे ही 5 मिनट या 7 मिनट बीतेगा आपको पता नहीं चलने वाला कि आपने कुछ कान में लगाया भी है या फिर ईयरफोन वगैरह कुछ ऐसा, मतलब इतना हल्का है, इतना आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। और फिटिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, आप देख पा रहे होंगे बेसिकली इसको आप ऐसे नीचे कर सकते हो कुछ इस तरह से, और फिटिंग जो है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल का, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है। मतलब इसको कूदोगे, हिलोगे, इसको खींचोगे, मैंने इससे खींचोगे, देखो खींचोगे एकदम दम लगा के तब जाकर बाहर निकलता है, बहुत इसको तेज खींचना पड़ता है, इतनी आसानी से ये बाहर नहीं निकलता है, मतलब बहुत ही। देखो मैं फिटिंग की बात करूँ ना कान में तो 10 में से 9.5 रेटिंग दूंगा, इतना ज़्यादा मतलब फिटिंग इसका बेस्ट है। इसका साउंड क्वालिटी की बात करो, साउंड क्वालिटी उतना कुछ खास नहीं है, खास नहीं मतलब देखो ईयरपोड्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर मैं नेकबैंड के मुकाबले बात करूँ तो नेकबैंड के हिसाब से इसका जो मतलब साउंड क्वालिटी वो सही नहीं है। नेकबैंड में मतलब बेसिकली इसको मैं नेकबैंड भी यूज़ किया है और इसको भी यूज़ किया हूँ, लेकिन नेकबैंड का जो साउंड क्वालिटी मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। इसको मैंने यूज़ किया, मतलब पहले तो आपको पता होगा कि मैं, मेरे पास ये दोनों है आपको पता था, तो मैं पहले इसको यूज़ करता था, मतलब बहुत एक साल से लगभग यूज़ कर रहा था इसी को, मैं इसे मतलब आपको बेसिकली यूज़ करता हूँ इस तरह से पता ही है। इसके अंदर बीस्ट मोड सारे फीचर इसके अंदर दिए गए हैं जो इसके अंदर है। इसका जो साउंड क्वालिटी है ना इसके में और इसका साउंड क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों अंतर है भाई? क्योंकि इसके अंदर बड़ा चिप लगा हुआ है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी है। इसका प्राइस भी ज़्यादा है, इसका प्राइस थोड़ा कम है, और इसके अंदर काफ़ी स्मॉलेस्ट छोटी जगह में, इतनी सी जगह में आपको मतलब बैटरी बैकअप या भी सारी चीज़ें देखना है, तो इसलिए आपको साउंड क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और सच बताएं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो ईयरपोड्स के हिसाब से, बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे चीज़ें चेंजेस है, मतलब ये जो है टच वाला है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका प्ले पॉज हो जाएगा, इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका जो सॉन्ग है चेंज हो सकता है, इस पर अगर आपको कॉल आ रहा है तो इस पर एक बार टच करोगे तो आपका कॉल जो है रिसीव हो जाता है। इसको अगर आप दबाए रखते हो तो बीस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि गेमिंग मोड, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर हैं, और इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक फटाफट से कर देना, और चैनल पे नए आ गए हो सब्सक्राइब मेक श्योर कर लेना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी सवाल सुझाव इसके रिकॉर्डिंग तो इंस्टाग्राम पे मुझे बता देना, फिर कमेंट बता देना, उसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है।